একটা জায়গাও করেনি শেরদোমা দুটো খাবে এখনই কাজে রাতের থেকে মরে যাবে তো বাঁচবেই না এরম ভাবে हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी गाइस? आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वक्त हैं दार्जिलिंग जाने वाले रोड पे, चूँकि जा रहे हैं दार्जिलिंग, तो बने रहिएगा हमारे फुल वीडियो में। चूँकि तो गाइस बहुत दिनों के बाद हम लोग स्टार्ट किए हैं फिर से एक नया मोड़ के लिए, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में। अब कुछ ज़्यादा लेट नहीं होने वाला है, मेरा वीडियो अब कंटिन्यू आने वाली है, तो बने रहिएगा। पहले की तरह आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ मिलता है देखने के लिए। वैसे बहुत ज़्यादा ठंड है। देखिए भाई, जे अपना गाड़ी से लिए हैं, ये गाड़ी छिके यहाँ पर रुकल है चाय पानी के लिए, जे कि हम करबे ने। और देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा प्लेस पर रोकल है गाड़ी एक, और सब हम जा रहे हैं जू, जो कि दार्जिलिंग का जू। तो चलिए जे देखते हैं ठंड में रहने वाले जानवर कैसे होते हैं और कौन कौन से जानवर इस जू में अवेलेबल है। तो हम लोग को देखिए ये रहा रास्ता, और हम लोग को इधर से जाना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा चुके हैं, तो धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं। दोस्तों ठंड की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, और हमें लगता है हम लोग के यहाँ से ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पर, जो कि काफ़ी धूप भी उगी हुई है फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। Turn right to stay on Robertson Road. तो यहाँ पर देखिए क्या लगा है, और इधर बेचने वाला भालू सुगर लोमड़ी, और ये सब भालू। तो यहाँ पर ही पर पर्सन 110 रुपया लग रहा है। तो ये मैंने टिकट कलेक्ट किया, और ये रहा मैप, जो कि इस जू का मैप है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, वैसे समझ लेते हैं पहले। दोस्तों ये रहा अंदर का नज़ारा, जो कि कुछ ऐसी है, और यहाँ पर देखिए कुछ अलग यहाँ की कल्चर है, शायद काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इधर छोटी सी दुकान, तो गाइस यहाँ की भाषा उतना भी अलग नहीं है कि हम पहचान ना पाए। तो गाइस ये रहा हिमालय गोरा, जो कि कुछ ऐसी है, हिरन, हिमालयन हिरन। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्या है भाई साहब, ये तो ऐसे पता चलेगा, बाकड़ा। सेरा बीलू, जो कि वहाँ है, ओए भाई बकरे की तरह सिंह है। और ये रहा मिसमी तकीन, और ये रहा मिसमी तकीन। तो देखने के लिए ये सुविधा अच्छी है शहर दार्जिलिंग। तो हमको ना काफ़ी ज़ोर से सर्दी हुआ है, नाक पूरा जाम है, जिसके लिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा कम बोलता हूँ, क्योंकि जानते हैं अभी लगातार 5-6 दिन से मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, इसीलिए हमको सर्दी थोड़ा बोला, तबीयत ख़राब हो चुकी है। तो ये लगता है हमें लास्ट दिन है इस ट्रेवल का, क्योंकि इसके बाद हमको घर जाना है। लगातार 10 दिनों से हम घर से लगभग गायब रहते हैं, चूँकि बिहार से यहाँ तक आ चुके हैं, वैसे हमें तो पता नहीं है, बट हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, जो कि आगे क्या मिलेगा वो भी पता नहीं हमको। तो
तो यहाँ पर म्यूजियम है जो कि संग्रहालय म्यूजियम, तो चलिए देखते हैं म्यूजियम में क्या कुछ है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है इसलिए मैं इस वार रहा हूँ। वैसे भाई साहब लोकल भाषा में बात की जाए तो मज़ा ही गुजर है कि भाई की हाल से सब बढ़िया ना। हाँ একটা জায়গাও করেনি শেড দো আর দুটো খাবে এখনি কাছে রাতে দেখো মরে যাবে তো বাঁধবেই না এরকম ভাবে এভাবে আটকে না রেখে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া উচিত। और यहाँ पर है मोर, ऊपर वाला बड़ा वाला तोता है। पूरे सुविधा आगे मुड़े ना।